नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने यूएन नंबर आपको पता नहीं है या आपने यूएन नंबर को भूल चुके हो, आपको यूएन नंबर कैसे पता करना है मोबाइल के थ्रू, मैंने आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते ही तभी जाके आपको पता चलेगा। इस वाले वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दूंगा जो कि पीएफ प्ले लिस्ट करके होगा। इस वाले लिस्ट में मैंने आप लोगों को बताऊंगा पीएफ के यूएन नंबर कैसे पता करना है, पीएफ के विड्रॉल कैसे करना है, सारे डिटेल्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। उस वाले प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब मैंने बताया था मोबाइल के थ्रू यूएन नंबर आप कैसे पता कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है EPFO, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है एम्प्लॉयज, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस वाले क्रॉस में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्रॉस दिखाई दे रहा है, दूसरे क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है KYC अपडेट मेंबर, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। दोनों में किसी के भी ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ KYC अपडेट मेंबर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट भी दिखाई दे सकता है, नहीं तो आपके पास इसी टाइप के नेशन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर पहले क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। मोबाइल में करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप में जैसे ओपन होगा वो सारे चीज़ अपने मोबाइल पर भी ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। आपको जस्ट यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे एक्टिवेशन यूएन नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नो योर यूएन। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाई देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में ओपन करके आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में जो चीज़ ओपन होगा आपके मोबाइल पर भी सेम चीज़ ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कैप्चर यहाँ पर चेंज हो गया, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट OTP, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है OTP सेंड सक्सेसफुल, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के 5 डिजिट आपको यहाँ पर स्टार्टिंग वाले दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है। मेरे पास यहाँ पर OTP आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज़ एंटर OTP, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैलिड OTP, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर साल चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने महीना चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डे सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आधार, पैन, मेंबर आईडी। अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो आपको क्या करना है, मेंबर आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि पीएफ नंबर बोला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल सेट कर लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको क्या करना है, पैन कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैन नंबर ऐड है तो ही जाके आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप ढूंढ नहीं सकते हो। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड अपडेट है अपने यूएन अकाउंट पर तो ही जाके आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हो अपने यूएन नंबर। तो मेरे पास यहाँ पर आधार नंबर है तो मैं इसी वजह से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आधार के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शो माई यूएन, तो हमें क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने यूएन नंबर दिखाई देगा। इस यूएन नंबर को आपको क्या करना है, कहीं भी नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपके नेक्स्ट काम है यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है। इस वाले वीडियो के नीचे मैंने एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, पीएफ प्लेलिस्ट करके होगा। उस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद पीएफ का कैसे एक्टिवेट किया जाता है यूएन नंबर, पीएफ का पैसे कैसे निकाला जाता है, KYC कैसे करना है, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट के ऊपर। दोस्तों ये था छोटा जानकारी। जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।